हैं और श्रीनगर में हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक ऑटोनमस बॉडी है उसका एक रीजनल सेंटर है यहाँ पर जिसको हम रीजनल सेंटर फॉर यूनानी मेडिसिन हम कहते हैं। और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एक कदम रहा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पर हमारे इस कैंपस को जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन श्रीनगर में है इसको पिछले दिनों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिक्लेयर किया है और उसमें तकरीबन 7 करोड़ प्लस उसमें रकम दी गई है जिससे इस कैंपस का डेवलपमेंट होगा और ख़ासकर जो फोकस होगा वो रेजिमिनल थेरेपी पे होगा जिसको हम यूनानी में इलाज बिल तदबीर कहते हैं और जिसमें आपने सुना होगा कि जिसमें कपिंग है, लीचिंग है, मसाजिंग है, नुतूल है, बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस सिलसिले के अंदर यहाँ पर आज एक सेमिनार का एक इनेकाद किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे जो हमारे लीडिंग साइंटिस्ट हैं और लीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जैसे हमारे गनाई साहब हैं, हमारे सैगल साहब हैं जो कि NIT के हैं या शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के वाइस चांसलर हैं या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मसूद साहब हैं। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से यहाँ पर प्रोफेसर जाफरी साहब हैं जो रजिस्ट्रार हैं, वो एज ए मेहमान एजाजी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत सारे जिम्मेदारान जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं वो आज यहाँ पर सरपरस्ती के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे डेलीगेट्स हैं जो देश में मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं जो लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अच्छा कदम उठाया कि चेंज है यहाँ कश्मीर में? ये बहुत अच्छा कदम है और इससे बहुत डेवलपमेंट होगा और जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत होती है मुझे लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है और हमारा सेंटर खासकर जब रेजिमल थेरेपी के अंदर ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस डेवलप हो रहा है तो एक बहुत खुशाइंद कदम है भारत सरकार का और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर इसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस डिक्लेयर किया और इसको बहुत सारी एक मदद दी, पैसे में मदद दी। अगर बात करेंगे लोकल मेडिकल शॉप्स की वहाँ पे भी अभी करते हैं जैसे कपिंग की बात करें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा हमें? देखिए ये एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है इसमें बहुत सारे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के साथ चीज़ें होंगी और जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बहुत सारे SOPs डेवलप करेंगे। इससे बल्कि उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे साथी बाहर इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि वो यहाँ आकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं और जो यहाँ पर रिसर्चेज में SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप होंगे, जो दूसरी चीज़ें डेवलप होंगी तो यहाँ पर वो भी आके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर आवाम को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया।